असाधारण असाधारण असाधारण। बड़े बड़े तुम ट्वीट कर रहे थे, हैं बड़े ट्वीट कर रहे थे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, घंटा किया तुम लोगों ने। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। इंडिया की खुशी से सबसे ज्यादा गांठ किसको जलती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश की। इंडिया की हार से सबसे ज्यादा मजा किसको आती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश की। और इन दोनों का गांठ कौन मरेगा? इंडिया यानी कि पहले पाकिस्तान की सुअर से लिपट लो, फिर आते हैं हमारे इस छोटे नंदन पे। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले ये ठीक कर ले किस देश की नारा लगाना है। इंडिया का बाप पाकिस्तान को बोलने से पहले अपने बाप का पता लगा। देखो, जैसे कुत्ते के पिल्लों को आज तक नहीं पता कि उसका असली बाप कौन है, वैसे भी ये लोग भी इस बात से बेखबर है कि उसका असली बाप कौन है। पर हमें जहाँ तक खबर मिला है कि इसका नाजायज बाप चाइना है और इसका नाजायज बेटा बांग्लादेश। सबसे बड़ा चुतिया कौन? सबसे बड़ा घटिया कौन? आज मैं किसका लूंगा? काश आज मैंने इस जगह पे, काश ऑस्ट्रेलिया की शर्ट पहनी होती तो कितना मजा आता। एक काम कर, बेंचित कुत्ते की खाल पहन ले, क्योंकि भौंकने के अलावा कुछ ना आवे तुम लोगों को। मैं जानता हूँ कि ये कुत्ते की बेइज्जती है, पर बेंचित तुम इसी के ही लायक हो। इंडिया वालों हमेशा बोलती हो पाकिस्तान में टीवी टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया। आज बताओ तुम्हारा क्या क्या टूटा और कहाँ कहाँ से टूटा है? हमारा जहाँ जहाँ टूटा है वो हम देख लेंगे। तुम्हारा जीडी भी टूटा हुआ है, पहले उसकी मरम्मत करवा लो। दो तीन दिन बाद भूखे मर जाओगे तो इंडिया की बुराई कैसे करोगे? 1,30,000 का क्राउड और ऐसे खामोशी, ओए होए होए, दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। लो बेंचोद, खुद के नाम का टैग हमारे ऊपर लगा रहा है। दादा पर दादा के जमाने से लेकर आज तक कभी पहुंच पाए फाइनल में? आईसीसी शुरू होने से लेकर फाइनल तक एक भी मैच नहीं हारा इंडिया, पता चल रहा है औकात की? और तुम लोगों ने क्या करा, सेमीफाइनल तक पहुंचने से पहले तुम्हारी गांड फट गई। क्राउड क्राउड हट बेंचोद, दूसरों की गांड सुनने से पहले अपना पिछवाड़ा पहले साफ किया करो। नजर नहीं आ रहा है कोई पाकिस्तान? ऑस्ट्रेलिया। अरे इतना क्यों गला फाड़ रहा है? किसने कंचे चुरा के ले गया तेरा? जिंदगी में पहली बार जब तुम्हारा नुन्नू खिड़की पे फंस जाए। जब तुम्हें पता चले तुम्हारा खेलने के फुग्गे और डैड के खेलने के फुग्गे दोनों ही अलग है। इंडिया की तीन चीजें बांग्लादेश खुशी से लेते हैं। इंडिया की मूवी ये लोग खुशी से देखते हैं, इंडिया के वीक ये लोग खुशी से लेते हैं, और इंडिया की हार ये लोग खुशी से मनाते हैं। ও এই সবকিছু মিলাই আমরা চাচ্ছিলাম হচ্ছে ইন্ডিয়ার পরাজয়, এবং ইন্ডিয়ার পরাজয়ে যতটা না অস্ট্রেলিয়া জিতাই খুশি হয়েছি, তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছি ইন্ডিয়া পরাজিত হওয়ার কারণে। এ লোক কে রে হে, অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জিতনে সে জিতনা খুশি মিলা, উসসে জাদা খুশি মিলা ইন্ডিয়া কি হারনে সে। ইন্ডিয়া কি হার ইন লোগো কে লিয়ে এক ফেস্টিভাল জেসা হে। অর ভি বহুত কুছ বোলা কি ইন্ডিয়া ইতনে সারে ম্যাচ ফিক্সিং করকে জিতা হে, আম্পায়ার কো রিশওয়াত দেকে জিতা হে, ইয়ে রহি হামারি পড়োশ দেশ কি বাত হে। खैर छोड़ो, जो बोलना है बोलने दो, क्योंकि पड़ोसियों का काम ही है दूसरे की खुशी पे जलना और दुख में हंसना। इनके घर पे चूल्हा जले या ना जले, दूसरों की हंडी पे नजर टिका के बैठा है ये लोग। और एक आखिरी बात, जिस जगह से आज इंडिया गया है मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग वहां कभी नहीं पहुंच सकते, और अगर गलती से कभी आ भी जाओ तब तुम्हें पता चलेगा कितने टेंशन, कितने प्रेशर और कितना जिम्मेदारियां रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।